हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा y=sec x + tan x को हमें जो प्रूव करना है वो है d²y/dx²=cos x / 1 - sin x का होल स्क्वायर। ओके, ये हमें प्रूव करना है। इस वाले रिजल्ट से हमें ये वाला रिजल्ट लाना है। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं वाई का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। जो डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। ओके, dy/dx sec x का होता है sec x tan x। ओके, sec x tan x प्लस टेन एक्स का होता है sec²x। यहाँ sec²x हो जाएगा। sec x दोनों से कॉमन आ रहा है, sec x आपका दोनों से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा tan x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा sec x। ओके, ये वाली बात आपको मिल जाए। आपने देखा कि sec x को मैं जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ 1/cos x, और यहाँ tan x को लिख सकता हूँ sin x / cos x प्लस sec x को लिख सकता हूँ 1/cos x। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1/cos x, और इस वाली बात को आप लिख सकते हैं 1+sin x / cos x। एलसीएम लेने पर सेम वैल्यू मिलेगा, तो मैं उन्हें आगे पीछे कर लूँगा। यहाँ पर हो जाएगा 1+sin x / cos²x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos²x। जब आपको मिलेगा 1+sin x / cos²x, तो हम इसको 1+sin x लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसे लिख सकते हैं 1 - sin²x। ओके, इस कंडीशन पर आपको देखिए नीचे वाला जो टर्म था उसे आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 1+sin x। यहाँ पर ये हो जाएगा 1+sin x एंड 1 - sin x, बिकॉज के a²-b² वाली आइडेंटिटी यहाँ से बनेगी। देखिए, इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो वाला टर्म रहेगा हमारे पास 1/sin 1 - sin x, 1 - sin x। ये वाला टर्म बचेगा आपका dy/dx के रेस्पेक्ट। देखते हैं, देख लेते हैं। देखें, जब आपको टर्म मिला dy/dx = 1 - sin x / -1, मैंने ऊपर इन्वर्स कर लिया इसको। ओके, अगेन डिफरेंशिएशन करने पर आपको ये देखो, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया तो ये मिलेगा d²y/dx². ओके, 1 टाइम पावर के लिए करते हैं, तो 1 टाइम पावर के लिए किया तो 1 - sin 1x - 2 हो जाएगा। देन जब आपने इसको कर ही दिया है तो ये वाला 0 हो जाएगा, और अगेन आपने किया तो ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ओके, जब आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, ये हो गया प्लस कॉस एक्स, और ये वाली पूरी वैल्यू नीचे पहुंच जाएगी डाउन में, तो ये होगा साइन एक्स की पावर। ओके, तो यही है आपका रिजल्ट जो आपको प्रूव करना है, d²y/dx² = cos x / 1 - sin x² यानी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7500410322। ओके, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।